नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर रोपे बादाम और बेल के पौधे। उपभोक्ता निस्तार डिपो में वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम ने किया पौधारोपण। प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी सुरक्षा करें। वहीं कोरोना महामारी हमें यह सीख दे गई कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। कुछ इसी सोच के साथ सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही उत्साह के साथ जिले भर में मनाया गया। इसी कड़ी में जनपद क्षेत्र लांजी अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता निस्तार डिपो लांजी में श्रीमती नेहा घोड़ेश्वर वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम लांजी एवं वन अमले के साथ बादाम और बेल के पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। पौधारोपण कार्यक्रम के पश्चात श्रीमती नेहा घोड़ेश्वर द्वारा आम जनों पर्यावरण का महत्व बताते हुए कहा गया कि वनों को आग से बचाए, पेड़ की कटाई न करें और वनों की सुरक्षा में वन विभाग का सहयोग करें, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। साथ ही वन्य जीवों एवं वनों की सुरक्षा में वन विभाग का सहयोग करें। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान वन विभाग से श्रीमती नेहा घोड़ेश्वर वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम लांजी के साथ श्रीमती इंदिरा गर्ग डिप्टी रेंजर, वन रक्षक विशाल आसटकर, अमरनाथ नंदा, अमरदीप गजभिये, स्थायी कर्मी गेंदलाल अतकरे एवं समस्त पश्चिम लांजी स्टाफ मौजूद रहा। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। मैडम जी, आपका परिचय? मैं श्रीमती नेहा घोड़ेश्वर, परिषद अधिकारी पश्चिम लांजी से। आज क्या कार्यक्रम किया गया मैडम जी? आज चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे द्वारा पौधारोपण किया गया। मैडम जी, किस किस इसके पौधे लगाए हैं? आज हमने बादाम और बेलपत्र ऐसे दो प्रजातियों के पौधे लगाए। जैसे कि मैडम जी पर्यावरण दिवस है, तो इसके इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जंगलों को अंगार से मेनली बचाएं, साथ साथ में कटाई कम करें, अधिक से अधिक पौधे लगाएं और जंगलों को बचाने के लिए हमारी मदद करें। आज हमारे द्वारा वन विभाग द्वारा जितने भी समितियाँ हैं पश्चिम रांची अंतर्गत, उन समितियों में भी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में समितियों में संपर्क किए गए वनों को बचाने के लिए और क्लीनिंग एक्टिविटी और साथ साथ में पौधारोपण और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार नई और ताज़ा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।